क्या नाम है दीदी? माया दी कहाँ से आ रही हैं? अच्छा, क्या दिक्कत है आपको? हमको खाते कितने दिन से शुगर है? शुगर तो हमारे ढेर दिन से हो गया। 10 साल से है? हाँ 10 साल से। अच्छा, 10 साल में तो सब कुछ डैमेज हो गया आपका, बॉडी पूरी सही? हाँ पूरी तरह डैमेज हो गया। आँख का ऑपरेशन हो गया? हाँ आँख का ऑपरेशन हुआ है। और अभी तो और कोई पाइल्स वगैरह नहीं ना है? नहीं, भाइयों को अभी शुगर नहीं। पाइल्स से बाबा सिर नहीं ना है? नहीं बहुत सिर नहीं। अच्छा, और क्या क्या दिक्कत है? पेट घूम रहता है? पेट खबर नहीं, भूख न लगी। भूख नहीं लगेगा? और जैसे सुस्ती रही, ढेकार आई, ये सब परेशानी, जैसे कोई कुछ कहे। क्या क्या दिक्कत परेशानी और क्या दी? वही ये पे अधर कसता है, पाई की तरह ढेकार। कोई समाज के लोग अगर चीज का खा लेंगे पूरी पकवान, उसका भी परेशानी तरह धोने लगेगा। और जो खाएंगे तुरंत लाइट गई। कहीं हम जाते आते हैं तो बिना खाए चले जाते हैं कि ये सोचते हैं कि इतना दूर हमको सफ़र करना है तो हम कहाँ जाएंगे, इसलिए कि खाए बिना चले जाते थे। दवा पास लेकर कुछ खाते थे और बोलते इतना, अगर हमको कहीं दूरे जाएगा तो इतना फटता था कि हम कहाँ रुक जाएं या बोले कि हमको पैदल कुछ दूर चलने, तब हम अपना जाते थे दवा करते खाओ कर। लेकिन हमको दवा से कहीं आराम नहीं मिला। मैंने शुगर एक टाइम तो 415 था। अब देखिए पता नहीं, हमको तो विश्वास नहीं हुआ कि झूठ है कि सच है। लेकिन हम बोले थे सामने चेक कराए, 181 बता रहा था। अब देखिए क्या बोला कि हम जा रहे थे आप दवाइयाँ लेवे तो हमसे मेरे भाई बोले, भाभी बोले, वहाँ फल का दुकान थी, एक टाइम भाई है, मम्मी तो मरी गई, तो कहे कि चलिए दीदी वहाँ पर दवाई ले लीजिए, वहाँ पर सब लोग का दवाई दे रही है, अच्छा है, ठीक हो जा रहे हैं, तो आप भी करके देखिए। हम कहे ठीक है भाभी चलेंगे, जब वहाँ हम जाएंगे तो यहाँ आयुर्वेदी भी है, नुकसान भी नहीं कुछ करेगा, हम अपना दवाई ले लेंगे। नींद आता है कि नहीं? नींद तो बाजू वाला आता है, बाजू वाला तकते रह जाएंगे, नींद तो भी नहीं उतना। रात में जगते रह जाएंगे? हाँ, रात रात भर तकते रहेंगे। ये होने लगा कि नींद नहीं लग रहा है, नींद नहीं लग रहा है तो कुछ ना कुछ खा कर पानी पी कर ताकि करेंगे, टीवी को देखेंगे, मन नहीं करेगा टीवी को कहीं के बंद कर दो। चक्कर उक्कर आता है कभी कभी? हाँ हाँ भाई, आपके सामने अंधेरा होता है कभी कभी? पहले होता तो जैसे रह के अंधेरापन आ जाता था, अब तो सही हुआ, खाना वाना एकदम नहीं खा रहे थे ना। बेड को उठ पाती है जल्दी जल्दी? जब बेड गई तो कोई काम है तो फटना उठ जाती है? नहीं 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 होता, जब से बहुत ऊंचा पर बढ़ते हैं कि हाथ रख के धरती पर तब उठते हैं। अच्छा, कुछ सहारा लेके उठते हैं? हाँ, तब सहारा लेके उठते हैं। अच्छा, देखिए अगर हमको ठीक हो जाएगा, हमारी ननद भी शुगर से है, चलती हैं तो जमीन देख के चलना पड़ता है। अगर हम ढेर दूर यहाँ से यहाँ जाना घुटना फिरा लगे, अगर लगता है हम गिर जाएंगे। हाँ हाँ, बैलेंस बॉडी का लेके चलना होता है। जैसे पैर से सोचा ना कि कहीं हम गिर ना जाए, रोड को देखते हुए चलती है, जमीन को देखते हुए चलती है, नीचे देखो कि खाला ऊंचा है। अगर कुछ हमको सहारा मिलेगा तो हम उसको पकड़ के जाएंगे। खाला ऊंचा में डर लगता है, ऐसा ना मेरा पैर खाले में पड़ जाए मैं गिर जाऊँ, लगता है ऐसा ना? ज्वाइंट पेन है, कंधा जाम, कंधे में दर्द वाला तो नहीं? दर्द कंधे में, दर्द पहले था ना, शुरू में था, शुगर 10 साल से है तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी रहा होगा। ठीक है, घुटने में दर्द, ज्वाइंट पेन, पूरे पूरे ज्वाइंट में कहीं ना कहीं चुभा हुआ दर्द है। ठीक है, जब घुटना से सब लोग का सेरा जिम खुला है उसमें चली जाइए, उसमें आराम मिलेगा। उसमें भी महीना भर गए अभी, हमको नहीं कुछ समझ में, मतलब बहुत प्रयास कर चुकी है, बहुत कोशिश की है भैया। आप हस्बैंड है? हाँ, तो साथ में आप भी तो कोशिश किए होंगे? बहुत कोशिश किए, हर इलाज करा दिए, सब करवा चुके थे। अच्छा, अभी जनता में आते एक आदमी बोला कि आप आइए वहाँ पर ठीक हो जाएगा, जनता पर दवाई लेने गए हम, पे चलो भाई हम भी जनता में गए। आयुर्वेदिक एक है, आयुर्वेदिक हैं हम, 10 साल पहले, 10 साल हाँ हो गया, 10 साल, 10 साल पहले हम पर डे जाते रहे जनसा, पर डे दवाई लेने और वह एक्सरसाइज कराना, मालिश कराना। आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं वहाँ पर, हम भी कहीं नहीं छोड़े हैं, पूरा डॉक्टर के इनके पीछे बहुत, जितना दवाई जहाँ जहाँ दौड़ सके खूब दौड़े। तो रेखा आयुर्वेदिक में कैसे हैं भैया? इसमें जो है हमारे साले साहब बताए कि चले जाइए जीजा जी वहाँ पर, हम दवा लाए थे एक बार तो वहाँ से आराम हमको हो रहा है,
हम कहे चलो भाई यहीं चलते हैं एक बार देखा जाए, जब इतना जगह देख लिए तो यहाँ क्यों नहीं देखेंगे, बार बार हमारे साथ लेकर रहते हैं कीजिए, एक बार वहाँ जाइए, एक बार वहाँ जाइए आप। अब शुगर के डॉक्टर के बहुत गए हैं आप, अंग्रेजी दवाई बहुत कर चुके हैं, आप जाइए तो एक बार। लेकिन हम कहे कि नहीं भाई जाएंगे अनुबंध दवाई होगा, लेकिन फिर जब यहाँ पर आए तब उनको समझ में नहीं ठीक है। तो अब आपकी वाइफ तो बिल्कुल ज़्यादा बोलने से सही नज़र लग जाती है, भाभी जी तो बिल्कुल यंग होने वाली हैं। नहीं नहीं भाई तब भी हम जैसे 20 साल पहले थी ना, नहीं तो हम भी चाहेंगे 20 साल पहले का, 20 साल पहले जैसे थी ना वैसी हो जाएगी। ठीक है अब उसी तरह हमको भी बना दीजिएगा, इनको पहले बना के हर तरफ से खुश रहने लगेंगे, हर पॉइंट से खुश रहने लगेंगे। जैसे आप अपना काम धाम अच्छे से करेंगे, घर का चिंता नहीं रहेगा। ठीक है ठीक है भैया, आप लोग आए, दीदी आप आई, अच्छा लगा रेखा आयुर्वेदिक में। ठीक है लेकिन 3 महीना दवा नहीं छोड़ना है, इनको आराम होने लगा था फिर 3 महीना, 1 महीना में तो भाग जाएगी। जब कहेगी भैया जब इतना पैसा लगा चुके, भैया आप कह रहे हैं ना, हाँ नहीं हम देखेंगे, नहीं तो हम इतना पैसा जब लगा चुके यहाँ से हमको आराम मिले तो हम काहे भागेंगे, पहले हम लग के पूरा खत्म करा देंगे उसका, कहा नहीं हम चलेंगे काहे को भागे भैया, हमारा ठीक हो जाएगी ना, किस्मत हमारा खराब रहेगा अगर भाग गए तो। नहीं नहीं ठीक हो जाएंगे, यहाँ वहाँ फिर भटकेंगे फिर आएंगे, नहीं तो हमको नहीं भटकना है ना, कहा कि नहीं नहीं तो भटकना नहीं, ऐसा महसूस होगा ना कि हम बिल्कुल ठीक हो गए, हमें तो कुछ हुआ ही नहीं ऐसा महसूस होगा। ठीक है ना, देखने बाद हम लगे हुए 3 महीने 4 महीने 3 महीना कर लेंगे, उसके बाद 3 महीना बाद हम पूरा करवा देंगे तो दवा दवा जो है हाफ डोज हो जाएगा, 1 चम्मच ज़्यादा आधा चम्मच पाउडर, 2 चम्मच की जगह सिरप, 1 चम्मच सब कुछ आधा हो जाएगा। तो महीने का मैंने कहा अभी तो आप कुछ नहीं खा रही हैं, अभी क्या खा रही है, कुछ खबा रहा है अभी तो कुछ खाने का मन करता नहीं है, मन ना करेगी और गृहस्थी खाती है, भूख लगी हाँ गृहस्थी खाती है, नहीं ठीक है अभी तक जितना सामान नहीं खा रही थी अब सब चीज़ खाएंगी। ठीक है अभी जैसे आपके आगे से थाली खींच दी जाता है मीठा का आइटम, आम मीठा आइटम, दूध वाला आइटम आपके आगे से खींच दिया जाता है, चावल ना खाओ पूरा परिवार के लोग चिल्लाएंगे, आपको लगेगा कि बहुत प्यार करते हैं हमसे परिवार वाले, लगता है ना मन में कितना सब लोग ख्याल लगता है, कितना प्यार करते हैं। नहीं ये ऐसी बात नहीं है, हर लोग सोचते हैं भैया सही रहे तो ठीक रहेगा, ठीक है इसलिए प्यार करते हैं, लेकिन आप जानती हैं ना कितना प्यार करते हैं, आपका तो आत्मा रो रहा है, आप तो चीज़ की हर चीज़ के लिए तकलीफ़ में है, कुछ खाने का मन कर रहा है तो ये लोग दे नहीं रहे हैं, और जो नहीं खवा रहा है वो तो चावल तो मांगती है, जो हाँ, देंगे कहाँ से लोग, जो जो चीज़ खाने का इच्छा ही नहीं हो रहा नहीं खवा रहा है, कुछ इच्छा हो रहा है तो ये लोग छीन ले रहे हैं, नहीं खाना है डांट दे रहे हैं। ठीक है ऐसे में आदमी क्या करेगा, कितना दुख की बात है। ठीक ना, तो आप ठीक होने जा रही हैं दीदी, और माला दीदी बिल्कुल आप चिंता छोड़ दीजिए, आप 3 खुराक 3 डेज में ठीक होने जा रही हैं। ठीक है 3 डेज के बाद भैया कैसा लगेगा आप लोगों को, ठीक होंगे तो कैसा लगेगा, मन खुश होगा, हंस के बताइए सबको बताएंगे कि देखिए हम खुश होइए हाँ, और संकल्प लेना है कि हम ठीक होंगे, दूसरों को बताना, दूसरों को भी ठीक करेंगे, जिसको भाई सुनेंगे कि यहाँ इनको शुगर है बताएंगे कि यहाँ जाएंगे, कोई भी इलाज रहेगा भैया आप फील्ड में हैं, जैसे मैं जाती हूँ कहीं भी हमें रास्ते में कोई भी दिखता है दुखी है, चेहरे पर रौनक कम है या कोई दिक्कत परेशानी लगती है, हमको पकड़ हम समझते हैं उसको समझ में आता है, उसको हम रोक करके बात करते हैं, भैया आप ये कार्ड ले लो, जब इच्छा हो इस जगह पे आ जाना, आप अंदर से नहीं ठीक समझ में आ रहे हो तो आपकी तबीयत अंदर से नहीं ठीक है, आप यहाँ आइए, या कोई देखते हैं लंगड़ा रहे हैं या कोई देखते हैं कि एकदम शुगर से बेड पे है, तो उनको हम बिना अनजान, मेरा पहचान नहीं रहता, अनजान आदमी को भी हम बीच में बोलते हैं भैया आपकी तबीयत नहीं ठीक है क्या, हम कहीं जाते हैं ट्रेन में जाते हैं बाहर घूमने जाते हैं हर जगह मेरा कार्ड लोगों को देते हैं कि किसी तरह से पब्लिक ठीक हो, शुगर वाले हमको भी कार्ड मिला है अभी, डायबिटीज वाले ठीक हो तो मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं डायबिटीज वाला ठीक हूँ, उस तरह से आप लोग भी ऐसे निकलते हैं बाहर कहीं है तो अपने माहौल से ही बोलिए, हमारे लोगों को बताइए, हमारे ग्रुप में नहीं है काफ़ी लोग शुगर के मरीज हैं, है ना सबको बताना है केवल कि आप लोग चाहिए ठीक होइए पहले, हम लाएंगे हाँ पैसे की